नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को टक से लाइक कर दें। कई लोग कहते हैं कि हमें गुस्सा बहुत आता है, बहुत सोचते हैं कि गुस्सा ना करें, पर हर बात फेल हो जाते हैं। कसमें भी खाते हैं कि अब कभी गुस्सा नहीं करेंगे, पर फिर भी बहुत गुस्सा आता है। क्रोध एक ऐसी चीज है जो आपके प्यारे से प्यारे रिश्ते में भी जहर भर सकता है। क्रोध सबसे पहले आपके मन में जहर भरता है, आपकी जिंदगी में जहर भरता है, आपकी पूरी दुनिया में जहर भर जाता है। जो इंसान क्रोध करता है वह क्रोध करने से पहले भी दुखी रहता है, क्रोध करते समय भी दुख को पाता है और क्रोध करने के बाद भी दुखी होता है। कभी विचार करके देखना, क्या आपको क्रोध करने से कभी खुशी मिला, सुख मिला? क्या आप किसी इंसान को अलाउ करेंगे अपने ऊपर गुस्सा करना, क्रोध करना, कि हमें जो चाहे बोल दे और जैसे चाहे बोल दे? कोई भी व्यक्ति किसी का भी क्रोध पसंद नहीं कर सकता, तो हमारे क्रोध को कोई क्यों स्वीकार करेगा, क्यों पसंद करेगा? एक व्यक्ति एक गुरुजी के पास गया और गुरुजी को जाकर बोला, गुरुजी मुझे बहुत क्रोध आता है और उस क्रोध की वजह से मेरे घर में सब मुझसे खपा रहते हैं, और उस क्रोध की वजह से मुझे भी गलानी और पश्चपात रहता है, मैं लोगों से नजरें नहीं मिला पाता, ऐसे ऐसे शब्द क्रोध में कह जाता हूँ कि जिसे बाद में लौटाया नहीं जा सकता। याद रखना अभी एक बात, जो सी शब्द आप क्रोध में आकर कह जाते हैं, हो सकता है कि आपको उनकी माफी मिल जाए, पर लोग उन शब्दों को भूलते नहीं। तो याद रखना, जो भी आप क्रोध में शब्द कहेंगे, उन शब्दों का सामना आपको भी जिंदगी भर करना पड़ेगा। तो उसने गुरुजी से कहा कि मैं परेशान हो गया हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ पर गुस्से की आदत छोड़ती ही नहीं। गुरुजी ने कहा, एक काम करो, जब भी तुम्हें गुस्सा आए ना, तो बस एक बात याद रखना कि गुस्सा मैं करूंगा पर कल, आज नहीं करूंगा। जब भी गुस्सा आए, बस इतना संयम मन में रखना कि गुस्सा मैं करूंगा पर आज नहीं, कल। उसने बोला, गुरुजी से तो थोड़ी ना गुस्सा शांत हो जाएगा, दूसरे दिन तो गुस्सा करूंगा ना। गुरुजी ने कहा कि तुम ये करके तो देखो। वह घर गया, उसे किसी बात पर गुस्सा आया, पर उसे गुरुजी के बाद याद आ गई, गुस्सा तो मैं करूंगा पर आज नहीं, कल। कल को दूर की बात है, थोड़ी देरी बाद ही उसका गुस्सा शांत हो गया। याद रखना एक बात, गुस्सा एक धुएं की तरह है, एक बादल की तरह है, जो थोड़ी देर रहकर फिर आगे चला जाता है। बस वह थोड़ी देर हमें संयम साधना है, बस वह थोड़ी देर हमको कंट्रोल करना है, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते चीजों को। कई लोग कहते हैं कि हम गुस्सा करते नहीं, लोग हमें गुस्सा दिला देते हैं। तुम कोई टीवी हो गया जो किसी ने रिमोट कंट्रोल जैसा चलाया और तुमने प्रोग्राम देना शुरू कर दिया। लोग आजकल इतने हल्के क्यों हो गए हैं? कितना आसान हो गया आजकल किसी को भी गुस्सा दिलाना और किसी को भी खुश करना, इतना मुश्किल क्यों हो गया है? क्योंकि हमारी एक गंदी आदत है, हम हर बुरी बात का ब्लेम दूसरों पर डाल देते हैं कि उसकी वजह से, अगर वो नहीं होगा तो कोई और होगा, या तो ऐसा हो कि आपके लिए पूरी दुनिया ही बदल जाए, दुनिया का एक एक इंसान बदल जाए ताकि आपको गुस्सा ना आए, दुनिया की हर चीज़ बदल जाए, हर नियम बदल जाए क्योंकि आपको गुस्सा ना आए। आपको फिर भी गुस्सा आएगा, क्योंकि वो आपके भीतर है, बाहर के लोग तो निमित्त बनते हैं उस गुस्से को बाहर निकालने के लिए, वो तो अपने भर ही रखा है अपने भीतर, बस जरूरत है खुद को पहचानने की, जानने की। जिस जिस व्यक्ति को गुरुजी ने कहा कि गुस्सा कल करना, बस थोड़ी देर का संयम और गुस्सा गायब। कई लोग कहते हैं कि गुस्से को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, गुस्सा कोई रोकने वाली चीज थोड़ी है, जब आता है तो आ जाता है, फिर नहीं दिखाई देता कौन छोटा कौन बड़ा, आपको सब दिखाई देता है। आप उसी पर ही गुस्सा करते हो जो आपसे कमजोर हो, जो आपसे छोटा हो। अपने बॉस के ऊपर गुस्सा करके दिखाओ, किसी पहलवान के ऊपर गुस्सा करके दिखाओ, जो आपसे शक्ति में ज्यादा हो, बल में ज्यादा, उस पर गुस्सा करो।
गुस्सा हम कमजोर पर ही करते हैं। जो व्यक्ति हमसे बल में बड़ा है, पद में बड़ा है, शक्ति में बड़ा है, वो चाहे कैसा भी गलत चले हमारे साथ, वहां गुस्सा नहीं आता हमें, क्योंकि पता है कि यहां हमें नुकसान हो जाएगा। इसका मतलब गुस्सा भी हम च्वाइस से करते हैं कि किस पे गुस्सा करना है, किस पे नहीं करना है। तो याद रखिए एक बात कि गुस्सा आपकी च्वाइस है। आप चाहें तो गुस्सा करें और आप चाहें तो उस गुस्से को रोक सकते हैं। पर जो हम सशक्ति में बड़ा है उसके सामने हम गुस्सा कर नहीं पाते, और जो हमसे कमजोर है उसे अपनी शक्ति दिखाते हैं। कुछ बातें तो हमने ऐसी भी सुनी है कि गुस्से में आकर कई लोग हिंसा भी करते हैं, कई पति लोग अपनी पत्नियों पर हाथ उठाते हैं। कितनी गलत बात है। जो व्यक्ति अपने ही परिवार के सदस्यों पर हिंसा करे उसे मनुष्य कैसे कहा जा सकता है। हमारी एक प्रार्थना सभी माताओं बहनों से है, आप भी अपने जीवन में हिंसा का विरोध कीजिए, चुप करके मत सहिए। जब आपके साथ पहली बार ऐसा हो तभी रोक दीजिए, इससे आदत मत बनने दीजिए। अपनी शक्ति आप खुद बनिए। ऐसी बहुत बातें सुनते हैं, बहुत माताओं बहनों पर अत्याचार भी होता है। इस इंतजार में मत बैठे रहिए कि कोई आएगा आपकी रक्षा के लिए। सबसे पहले आप खुद की रक्षा खुद करना सीखिए। पहली बार में ही विरोध कीजिए, रोकिए कि नहीं, ये चीज हम नहीं सहेंगे, हम हिंसा नहीं सह सकते। कुछ कुछ तो ऐसे भी किस्से सुने हैं कि इतना दर्द है उनमें जिन्हें बयां भी नहीं किया जा सकता। कैसे लोग इतने निर्दयी हो सकते हैं। तो आप इस चीज का विरोध कीजिए, इसे सहिए मत। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो सिर्फ क्रोध करने वाले को ही नहीं, उसकी पूरी दुनिया को जला देती है, उसके पूरे परिवार को जला डालती है। क्रोधी इंसान के साथ रहना साक्षात नरक में रहने के समान है। एक घर में एक सास अपनी बहू पर बहुत क्रोध करती थी, बहुत गुस्सा करती थी। बहू बेचारी चुप करके सब सहती थी, पर वह बहुत परेशान और दुखी रहने लगी। सोचने लगी, आखिर कब तक सहूंगी मैं, कब इन बातों का अंत होगा। एक दिन उसके शहर में एक महात्मा आए। उसने महात्मा को सारी बात बताई। महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे सास तुम पर गुस्सा करे ना, तो तुम उसकी जो आवाज है रिकॉर्ड कर लेना, और जब भी वह दूसरी बार गुस्सा करने लगे, क्रोध करने लगे, तो उनकी वह रिकॉर्डिंग उनके सामने चला देना। वो बोली ठीक है। उसने वैसा ही किया। उसके सास ने जैसे ही गुस्सा किया उसने सारी रिकॉर्डिंग कर दी। दूसरी बार जैसे उसकी सास गुस्सा करने लगी उसने वह रिकॉर्डिंग चला दी। उस आवाज को सुनकर उसकी सास को बहुत अजीब लगा। उसने अपने बहू से पूछा, ये कौन है, इतनी गंदी आवाज, इतने गंदे गंदे शब्द कौन बोल रहा है, किसकी आवाज है, इतने गंदे शब्द मेरे कानों में चुभ रहे हैं, कौन है ये, मुझे क्यों सुना रही है। उसकी बहू ने बोला, ये आपकी आवाज है और ये सारे शब्द भी आपके हैं। जब उसकी सास ने वह पूरी रिकॉर्डिंग सुनी उसे बड़ा अफसोस हुआ कि इतनी गंदी आवाज, इतने बुरे शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं। उस दिन उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। रिश्ता चाहे कोई भी हो, सास बहू का, पति पत्नी का, पर जहां क्रोध आ जाता है वहां खटास आ जाती है, वहां लोग खुश नहीं रह पाते। कई लोग कहते हैं कि फिर तो मैं किसी को कुछ कहे ही नहीं, जिसको जैसे मर्जी करने दें, बच्चों को भी कहना छोड़ दे। नहीं, परमात्मा ने आपको विवेक दिया है, बातों को समझे कि कौन सी बात किस विषय में की जा रही है। ये बात खासकर उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में क्रोध की वजह से जहर भर गया है। यदि आपके बच्चे गलत रास्ते पर जाते हैं तो आपका फर्ज है उन्हें समझाना। किसी की भलाई के लिए थोड़ा ऊपर से गुस्सा दिखाने में कोई बुरा नहीं है। गुस्सा और क्रोध ये दोनों अलग चीजें हैं। आपने गुस्सा किया, उस टाइम बाद वो बोली, वही बात पूरी हो गई। क्रोध एक ऐसी अग्नि है, आप पहले भी जलते हैं, क्रोध करते टाइम भी जलते हैं और बाद में भी जलते रहते हैं। वही बात है, आपके मन में चलती रहती है, तो उन बातों को सुधारना है। यदि आपको अपने लिए, अपने परिवार की भलाई के लिए कभी थोड़ा बहुत गुस्सा करना पड़ा, बोलना पड़ा, तो कोई बात नहीं, बात बोल दी, बात खत्म। पर उन बातों को दिल में बैठा कर मत रखिए, उसको क्रोध की अग्नि मत बनाइए। बातें बोलकर आगे बढ़ जाइए ना। आप किसी का क्रोध सह सकते हैं,
ना कोई आपका क्रोध सहना पसंद करेगा। तो क्यों यो आपके जहर को अपने जिंदगी पर पाल रखा है, और जितना इस बीमारी को पालेंगे ये उतना बढ़ती चला जाएगा। फिर आप खुद का भी दिल दुखाएंगे, अपने परिवार वालों का भी दिल दुखाएंगे, खुद की नज़रों से भी गिर जाएंगे और सबकी नज़रों से भी गिर जाएंगे। तो छोड़िए इस बीमारी को। जब भी गुस्सा आए ना, तो याद रखना ये बात कि आज नहीं कल करेंगे। बस वो थोड़ी देर का संयम आपके मन से उस क्रोध की अग्नि को शांत कर देगा। थोड़ा तो संयम रखना सीखिए, थोड़ा तो अपने जीवन को संवारना सीखिए। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।